और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन इस वक्त कुछ कर गुजर जाने के मूड में है। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की को नई चाल सूझे, पुतिन यूक्रेन पर इतने हमले कर देना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को उसके मुताबिक संभलने का मौका ना मिले। खेरसोन और डोनेस्क में हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और अब युद्ध में आदमखोर की एंट्री से अब युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नजर आ रही है। आदमी का रक्त पीने वाले आदमखोर का मुंह अब खोलने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में इस आदमखोर की एंट्री हो चुकी है। इसके पंजों से अब युद्ध का निकल पाना मुश्किल है। मतलब यूक्रेन की जमीन पर जलते गोलों का कहर अभी और बरपना बाकी है। कौन है ये आदमखोर जिसके आने से पुतिन की लालसा उठान पर है और ज़ेलेंस्की चिंता में खोले जा रहे हैं। अमेरिका तक हड़कंप मचा है कि पुतिन का आदमखोर यहां तक पहुंच सकता है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पुतिन का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को आप गौर से देखिए और सुनिए। इस वीडियो में रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। да, подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курск. ट्विटर पर वीडियो को शेयर किया जा रहा है और पुतिन को शराब के नशे में बता रहे हैं। इस वीडियो को एक यूजर दमित्री ने शेयर किया है और अब तक वीडियो को करीब 21 लाख बार देखा जा चुका है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में पुतिन के हाथ में वाइन ग्लास है। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हालांकि नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में जो पुतिन ने कहा है उसका एक एक शब्द आपको जरूर सुनना चाहिए। युद्ध किसने शुरू किया? Ну кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кисне Краймия ке пол пар хамла кия та? Подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска. Кисне Курс пауэр плант ки пауэр лайнс ме бласт кия та? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Кон хэ чо донес так паник саплай рок раха хэ? Никто, нигде, словом об этом не обмолвился. Вообще, молчу в полном. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас. Message बिल्कुल loud and clear है कि सुन लो बाइडेन साहब और सुन लो ज़ेलेंस्की जी। यूक्रेन के सरेंडर तक जंग चालू रहेगी, ना कि रत्ती भर भी मन। दुनिया भर के एक्सपर्ट पुतिन की यूक्रेन में हार पर मंथन कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया पर पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार पुतिन खुद चलकर आए ये बताने कि अभी पुतिन का आखिरी अस्त्र बाकी है, जिसके चलते ही आदमखोर एक्टिव हो जाएगा और फिर विनाश के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति के सीढ़ियों से गिरने की खबरें आई थी और उनके बीमार होने के बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में इस वीडियो का सामने आना काफी कुछ बताता है। इससे पहले मर्सिडीज ड्राइव करने वाला पुतिन का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। 9 दिसंबर को पुतिन के बिश्केक में होने की खबर आपने देखी। पुतिन फिट दिख रहे हैं, एकदम चौकस और चौकन्ने। लिहाजा इस सवाल को यहीं चलता कर दिया जाए कि पुतिन की बीमारी रूस के यूक्रेन विजय की राह का सबसे बड़ा रूढ़ा है। खेरसोन के हालात और क्राइमिया ब्रिज का विस्फोट पुतिन बता देना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को इसकी कीमत चुकानी होगी। पुतिन फुल पावर में, फुल एक्शन मोड में। रूस के सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह कर चुके हैं। यूक्रेन में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूस यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशन ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल यूक्रेन में हमला करने के लिए कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेन में बंद पड़े ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी सेना ने कई रॉकेट लॉन्चर लगाए हैं। यूक्रेन की परमाणु कंपनी इंटरकॉटम ने एक बयान में कहा है कि पावर प्लांट पर कब्जा कर रहे रूसी सेना ने उसके 6 परमाणु रिएक्टरों में से एक के पास कई ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर देखे। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रॉकेट लॉन्चर रखे जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशन को यूक्रेनी क्षेत्र में हमला करने और विकिरण के खतरों को बढ़ाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट से विकिरण का खतरा नया उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन ज़ापोरिज़्या अब यूक्रेन की जिंदगी लीलने लगा, ऐसा पहली बार सामने आया है। ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट के पास रखे रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट रूसी सेना को नीपर नदी के दूसरे तट पर हमला करने में सक्षम बना सकता है। ये प्लांट दक्षिणी यूक्रेन क्षेत्र में है, जिसे क्रेमलिन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही ज़ापोरिज़्या स्टेशन रूस के नियंत्रण में रहा है। फिलहाल प्लांट के सभी 6 रिएक्टर बंद है। प्लांट के रिएक्टरों को बंद कर दिया गया था क्योंकि रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम और दूसरे सुरक्षा सिस्टम को चलाने के लिए बाहरी बिजली के सप्लाई के लिए परिस्थितियां खराब हो गईं। यूक्रेन रूस पर आरोप लगाता रहा है कि ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट को पुतिन ने हथियारों का अड्डा बना दिया है। पुतिन की युद्ध वाली रॉकेट फैक्ट्री यहीं से चल रही है। पुतिन ने साफ लहजे में कहा है कि उनका देश अमेरिका की तरह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस के अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियार ये सुनिश्चित करेंगे कि रूसी सेना कभी भी हमले की स्थिति में मजबूती से जवाब दे सके। पुतिन ने ऐलान किया है कि भर्ती हुए 1.5 लाख लड़ाके यूक्रेन में तैनात होने का इंतजार कर रहे हैं। रूस ने सितंबर और अक्टूबर में 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। पुतिन इस जंग में बहुत कुछ खो चुके हैं। पुतिन के करीब 150 कर्नल और जनरल जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन पुतिन के सामने लौट जाने वाला विकल्प अब खुला नहीं है। लौटने का मतलब होगा पुतिन की प्रतिष्ठा पर बट्टा। लौटने का मतलब होगा बाइडन के सामने पुतिन के पराजय। लौटने का मतलब होगा ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर। लौटने का मतलब होगा पड़ोस में नाटो की मौजूदगी कबूल करना। जाहिर है पुतिन ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहते। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन की अब नई वॉर स्ट्रेटजी क्या है, यानी रूस अपने सिद्धांत में बदलाव कर सकता है और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पहले हमले की संभावना को लागू कर सकता है। पुतिन का इशारा परमाणु हमले की तरफ है। पुतिन की फौज में खूंखार जनरल कादिरोव के लड़ाके भी हैं और रूस के एलीट जांबाज और खतरनाक एलीट आर्मी भी, लेकिन 10 महीनों के बाद अब हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे युद्ध पुतिन के हाथों से निकला जा रहा है। पुतिन इस वक्त को पहचानते हैं और शायद एक जोरदार स्ट्राइक के पहले बयानों से परिस्थिति को भांपना चाहते हैं। मतलब जो तय है वो ये कि यूक्रेन से पुतिन तभी बाहर जाएंगे जब ज़ेलेंस्की उनके सामने सरेंडर वाले कागज पर साइन कर देंगे।
अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर पुतिन जो हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग चुके हैं, हजारों बम चला चुके हैं, उसके बावजूद यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सके, तो अब आगे क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको सबसे पहले पुतिन की बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। खेरसोन की हार के बाद पुतिन लगातार सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुतिन के दिमाग में इस वक्त चार मेन बातें चल रही हैं। पुतिन के दिमाग में क्या है? युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करना, उसके लिए यूक्रेन आने वाले हथियारों की खेप को रोका जाए, जो संभव नहीं दिख रहा। तीसरी बात जो पुतिन के दिमाग में है वो है बाइडेन को करारा जवाब देने की। और चौथी बात जो सबसे बड़ी और अंतिम उपाय, परमाणु बम के विस्फोट की। पुतिन के फौज की जीत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी तो यूक्रेन की जीत की भी नहीं है, क्योंकि भितरखाने ये सवाल भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों में उठने लगे हैं कि यूक्रेन को आखिर मदद कब तक। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अमेरिका या यूरोप के पास उनकी जिद को पालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पुतिन को साधना है तो ज़ेलेंस्की इस वक्त सबसे बड़े हथियार है। ज़ेलेंस्की इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन को आग की होली खेलने के लिए छोड़ चुके हैं।